हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ एवरीवन। आज हम जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे आपने जो हाई स्कूल में ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, फिक्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, कोसेक, ये होते हैं। तो ये होते क्या हैं कि देखो, अब मान लिया ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसके साथ मान लिया ये एंगल जो है थीटा बना रही है। इसकी जो है ये जहाँ ये एंगल बना रही है, इसकी ये जो है टावर है या कोई भी चीज़ है ट्रायंगल की, मुझे हाइट निकालनी है, एच कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर हाइट किस तरह निकाल सकते हैं भाई। ये देखो, ये हाइट इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती भी रहती है। अगर मान लिया ये एंगल ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया, तो हाइट भी यहाँ जाएगी। इफ दैट मीन्स इट हाइट डिपेंड ऑन दिस एंगल, ऑन दिस एंगल फॉर दिस। अच्छा, अब इसके मान लिया यहाँ कोई एक स्ट्रक आ गई, यहाँ ये है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लिया कितनी आई है, x, यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि स्ट्रेक आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितनी आई डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y है। और ये इसकी मान लिया हाइट है इसकी एल, इसकी जो स्टेक आ गई, ये रोड है या कोई भी डिस्टेंस है एल, ये है ए बी सी, ये क्या है, ये ए ए बी सी, अच्छा ये हो गया एल। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल एल एम सी, ये दोनों को कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, या सिमिलरिटी आ गई इन दोनों ट्राइंगलों में। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम सी, ट्राइंगल एल एम सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम सी। ये कह जाएगा ए बी अपॉन, फिर इनकी क्या होगा, इनकी इनकी ट्राइंगल में जो है सेम रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम सी। इनकी वैल्यू की ए बी की वैल्यू कितनी आ गई एच, एल एम की वैल्यू कितनी आ गई एल, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई वाई, एम सी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा एल वाई अपॉन एक्स। इस तरह निकाल लेंगे हम फिर भी, इस तरह पता लगा इस तरह। अगर मान लिया यह एंगल, फिर ये जो है मान लिया एंगल बड़ा हो जाए, ये वजह या एंगल ये जो है ये कम हो जाए, इसकी अगर कम हो जाए तो एंगल की हाइट यह जाएगी, अगर बड़ा हो जाएगा इसकी हाइट यहाँ जाएगी है। तो इनकी जो इसकी हाइट है, द हाइट ऑफ दिस एंगल इज डिपेंड टू दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा। इस यानी कि अब मान लिया ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट
इस थीटा पे डिपेंड करती है। ये इसकी क्या कहलाती है? हाइट। ये इसकी क्या कहलाती है? इसकी हाइट कहलाती है। मान लिया इसकी हाइट है एच, ये इसकी हाइट कहलाती है हाइट। ठीक, जिस एंगल के सामने की किसी भी राइट ट्राइंगल में उसके एंगल के सामने की साइड क्या कहलाएगी? है हाइट कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाएगी? है हाइपोटेनियस। और जिसपे होगी इसका नाम क्या होगा? बेस। इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम बेस आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा इसका? बेस। इसके लिए क्या होता है? ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अब इसकी फॉर्मूले की जो हम जो है जो उसकी हाइट निकालते हैं, जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, इनकी रेशो की, साइड की रेशो की, वो करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिक्स होते हैं, क्या होते हैं? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइट अपॉन साइन थीटा क्या आएगा? हाइट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? ये हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कितना जाएगा? हाइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू यानी कि हाइट। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर। इसका दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। यानी हाइट कह रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट अपॉन बी। इसके उल्टा भी होते हैं। ये इसके क्या होते हैं? इसके उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? इसके उल्टे होते हैं। साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। इसका उल्टा होता है कोस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू के फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। यानी कि अगर मैं इसका मान लिया मैं ये एच कर दूं, ये एल कर दूं, ये बी कर दूं, तो ये क्या जाएगा? एच अपॉन एल। ये क्या जाएगा? बी अपॉन एल। ये एच अपॉन बी। सिमिलरली इस तरह इधर ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। आगे बढ़ते हैं भाई। और इससे क्या पता लग रहा? ये एक दूसरे के उल्टे भी हैं। ये एक दूसरे के उल्टे भी है। इसको क्या कर सकता हूं मैं?
साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, या क्या कह सकता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन, या एक और का फॉर्मूला जाएगा ये टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसी है ये आई कहाँ से है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ी फेमस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या हुई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा, एक ही हो गई, ठीक है, एक क्या आइडेंटिटी हो गई वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, एक आ जाएगी, कितनी हो गई ये एक ही आइडेंटिटी हो गई है, ये तीन आइडेंटिटी हो गई मेनली, ये फर्स्ट तो ही हो गई, सेकेंड ये हो गई, और ये थर्ड ये हो गई। अब ये आई कहाँ से हैं, किस तरह इनकी प्रूव करते हैं, इनके रट लेंगे, याद भी कर रखा है। अच्छा, इसका अगर जैसे कुछ बच्चे करते हैं लंबू आम लाया या इस तरह के द्वारी का प्रसाद इस तरह करते हैं सीधे, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सीधी ये इजीली अच्छा रहता है टू कंपेयर फॉर अदर फॉर्मूले, सीधा कर लो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो, अब जैसे मान लिया, अब ये प्रूव करना है मुझको, ये तीनों जो आइडेंटिटी है प्रूव करता हूँ, किसका प्रूव करता हूँ, देखो पहली आइडेंटिटी है मेरी, क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इस तरह मान लिया एक मैंने राइट ट्राइंगल ले लिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बाय क्या जगह ये ए बी का ए सी का स्क्वायर, मान लिया एंगल थीटा है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया, क्या आ गया ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब इसको क्या करता हूँ मैं, ए सी का स्क्वायर से दोनों तरफ इसको डिवाइड करता हूँ, ए सी का स्क्वायर से दोनों तरफ इसको क्या करता हूँ मैं डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ उसको डिवाइड करता हूँ, क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर से ए सी का स्क्वायर कट जाएगा, आ गया वन इक्वल टू ए बी अपॉन
ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी क्या आ गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, साइन थीटा क्या आ जाएगा, वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बी सी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या आ जाएगा प्लस के वन इक्वल टू क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, आगे बात है। अब जैसे अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए सेक स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करता हूँ, वही है फिर फॉर्मूला बाय द पाइथागोरस थ्योरम, वी नो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, इसको क्या क्या बनाना है मुझे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी, अब दोनों तरफ से बी सी स्क्वायर को डिवाइड कर लूँगा, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लूँगा, क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस के वन, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के वन। सिमिलरली अब मान लीजिए इसको प्रूव करना है मुझे, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करते हैं इसको, फिर भाई पाइथागोरस थ्योरम ले ली मैंने, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस के, अब इसको कह कर देता हूँ मैं, अब कुछ है ए बी से प्रूफ कर देता हूँ मैं, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी क्या गया कोसेक थीटा, क्या गया कोसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस बी सी अपॉन ए बी, क्या गया कोट स्क्वायर, ये सीन आइडेंटिटीज हम जो है एक ये एक ये और एक ये, हम तीनों जो है इसको जो है याद कर लेंगे, याद भी होंगे, बहुत काम की चीज़ें बार बार आती रहती, ठीक है अब आगे आगे बढ़ते हैं भैया, एक क्या होता है एक और होती है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी इस्तेमाल जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसको भी हम
इस्तेमाल कर जाएंगे। नहीं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो भाई जैसे सवाल आएगी वाला वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। जब भी इस तरह सेम नंबर हो सेम वो वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर में तो इसके क्या करते हैं इसके उल्टे डिनोमिनेटर के उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आगे मल्टीप्लाई करके वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा क्या आ गया हो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ना एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या जाएगा ये एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यह ये पढ़ा था हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहाँ से क्या जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन का स्क्वायर वन हो तो ये क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या जाएगा ये वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनका एलसीएम आ गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वन अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन मन पूर्ण कोस थीटा कहेंगे इक्वल हो जाएगा sec थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या जाएगा tan अपॉन cos थीटा sec थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या जाएगा ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। आगे बढ़े भाई एक हो रहा है फिर सवाल जैसे थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इक्वल टू फाइव देन शो दैट फाइंड फाइव थीटा माइनस थ्री कोस थीटा फाइव साइन थीटा माइनस थ्री इसकी वैल्यू निकालनी इसकी वैल्यू निकालनी इसकी वैल्यू निकालनी है फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा
देखो भाई क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है ये वाला सीरीज साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इक्वल टू फाइव, एक तो कंडीशन ये है गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, मान लिया इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा इक्वल टू एक्स, ये किसकी है इसकी वैल्यू लेट मान लिया इसकी वैल्यू मान ली है, और ये सेकेंड कंडीशन है। अब दो कंडीशन हो गई, मान लिया एक तो यह है इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, मान लिया दैट दैट सपोज इट वैल्यू इज एक्स, जब दो ही क्वेश्चन आ गई इन्हें दोनों को स्क्वायर प्रूव करूँगा, इस दोनों में क्या कर लूँगा मैं स्क्वायर करके इनको ऐड कर लूँगा, स्क्वायर करके इनको क्या कर लूँगा ऐड कर लूँगा, लेकिन स्क्वायरिंग बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन एंड फर्स्ट सेकेंड में क्या करा दोनों क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया और दोनों क्या कर लिया ऐड कर लिया, स्क्वायर करके क्या आ गया थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा का स्क्वायर प्लस फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करके क्या आएगा, ये है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या आ गया भैया क्या आ गया थ्री का साइन थीटा का क्या क्या आएगा नाइन साइन स्क्वायर थीटा वन टू फाइव फोर स्क्वायर थीटा इससे ये कट जाएगा तो प्लस के क्या आएगा वन टू फाइव साइन स्क्वायर थीटा नाइन फोर स्क्वायर थीटा वन टू फाइव प्लस के नाइन और ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा यह थर्टी फोर साइन स्क्वायर थीटा और थर्टी फोर कोस स्क्वायर थीटा दोनों से क्या कॉमन आ गया ये और ये क्या आ गया ये आ गया थर्टी फोर साइन स्क्वायर थीटा ट्वेंटी फाइव कोस स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस थर्टी फाइव कोस स्क्वायर थीटा बराबर ट्वेंटी फोर प्लस के एक्स, ये क्या आ गया थर्टी फोर दोनों से कॉमन ले लूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स, थर्टी फोर मल्टीप्लाई वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस के एक्स, इसका फॉर्मूला वन होता है नहीं अभी आइडेंटिटी भी बताई थी, तो क्या आ गया थर्टी एक्स इक्वल टू थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है नाइन आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है नाइन आ जाएगी, ठीक है भाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई है नाइन आई बात है। एक्स नहीं आ रही एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नाइन आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है प्लस माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है प्लस माइनस थ्री आ गई।
अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ये गिवन था और इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेट दिस वैल्यू इज एक्स। यदि इसकी वैल्यू एक्स है, दोनों इन्हें जो है इनइक्वालिटी को दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ये पहली का स्क्वायर, ये दूसरी है, तब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर इसमें ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया इसका स्क्वायर करके 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा 34 साइन स्क्वायर थीटा 34 कोण स्क्वायर थीटा 25 प्लस एक्स स्क्वायर 34 कॉमन ले गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 34 मल्टीप्लाई 1 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस दैट इज 4। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या सवाल है, ये एक सवाल है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एम, फाइंड द इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एन, एम स्क्वायर एन की पावर 2/3, एम एन स्क्वायर की पावर 2/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, अब ये गिवन है, क्या गिवन है, ये पहले से नीचे गिवन है, ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/ साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, 1/ साइन थीटा माइनस 1/ साइन थीटा इक्वल टू एन, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे इक्वल हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम। सिमिलरली अब ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस नहीं ये वाला सेक थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू एन, sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/ cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू एन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू एन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या करूँगा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू एन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू एन।
अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मैं जो है पुट कर दूँ, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एम, क्या आ जाएगी यहाँ से कोस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइन स्क्वायर थीटा की, इस साइन थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगी यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई है सेकंड, क्या आ गई है साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा कॉस की पावर फोर थीटा अपॉन एम स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एन, कॉस थीटा जाएगा क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू एन, ये क्या आ गया है कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर एन, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर की पावर एन की पावर वन अपॉन थ्री, या आ गई कॉस थीटा, ये क्या आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे अच्छा अब क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से सिमिलरली बाई सेकेंड भी गेट, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन इक्वल टू कॉस थीटा, अब जो है कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट है मान लीजिए ये तो थी, तो क्या आ गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, क्या आ जाएगा यहाँ साइन की पावर फोर थीटा अपॉन एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इक्वल टू एम, इससे जाएगा क्या आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन एन इक्वल टू एन इक्वल टू एम, और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये भी इसका स्क्वायर है साइन क्यूब थीटा इक्वल टू एम एन स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू एम एन का स्क्वायर की पावर वन बाई एम एन, अच्छा अब यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ से निकालना हूँ, ये जो कोस थीटा की वैल्यू आ गई और साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, अब मैं क्या कर देता हूँ इन्हें दोनों का क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं दोनों का स्क्वायर, क्या आ गए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर एन की पावर टू बाई थ्री, इधर से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन स्क्वायर की पावर टू बाई थ्री, और फिर मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं दोनों को ऐड, ये इससे आ गई और ये आ गई इससे, दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या आ गए देखो भाई सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है, ये दे रखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, एक दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एम, इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि एम स्क्वायर की पावर एन की पावर टू बाई थ्री प्लस एम एन स्क्वायर की पावर टू बाई थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, पहले मान लीजिए जो ए है
एक जो ए है ये बी है, जो इक्वन है इसको ए को ले लिया, यहाँ को ले लिया, इसको ए को ले लिया, इसके कोसेक थीटा क्या बन लिया अपना, कॉस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी इसे ये करके आ गया, यहाँ से एम इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम। सिमिलरली अब दूसरी वाली इक्वेशन को बी को से लिया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को ले गए, यहाँ से एन बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, एन बराबर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी और यह आ गई थी साइन थीटा। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू तो इसमें रख दूंगा मैं यहाँ, और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें यहाँ रख दूंगा, ये मान लिया ये फर्स्ट आ गई थी इक्वेशन, और ये कौन सी आ गई थी सेकेंड, यानी कॉस थीटा की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन रख दूंगा मैं फर्स्ट में, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा मैं एम में, ठीक है। तो क्या आ गया है, कॉस की पावर फोर थीटा अपॉन एम स्क्वायर, ये वैल्यू रख दिया, कॉस क्यू थीटा अपॉन एम, क्या आ गया, कॉस क्यू थीटा अपॉन एम का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ से अब जब मैं इसकी वैल्यू एम और एन रखूँगा, यहाँ से वैल्यू इसकी जो है, इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू रखी मैंने, तो ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कह में रखी, इसमें रखी, तो यहाँ से क्या आ गया, ये सोल्व करते करते इसको ये रख के ये आ गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू एम एन स्क्वायर की पावर टू की पावर वन बाई थ्री। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से रख के ये आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई और साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, जब ये आ गई दोनों को जो है स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी, दैट इज सॉल्व, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एम का स्क्वायर एन प्लस एन का स्क्वायर बाई टू बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो गई है, हाफ या वन। आई बात है, एक और क्वेश्चन है देखो, एफ के एक्स, एक सवाल है, एफ के एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू के आर, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स। ये क्या होगी, ये आंसर दे रखी है इसने, वन बाई फोर
ए वन बाई फोर, बी वन बाई ट्वेल्व, सी वन बाई सिक्स, डी एक फंक्शन है एफ के एक्स इक्वल टू वन अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स इक्वल टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर को बिलोंग्स करता है और क्या करता है और साथ में के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है एफ फोर एक्स माइनस के एफ सिक्स एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है। एफ फोर एक्स की वैल्यू लिखो है क्या जाएगा ये वन अपॉन के वन अपॉन के का मतलब वन अपॉन फोर साइन की पावर फोर एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन सिक्स साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस ए अब देखो अब यहाँ जो इसको सॉल्यूशन करेंगे ये ए स्क्वायर जुड़े घटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए क्यू प्लस बी क्यू बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन पड़ता है। अब इसको लेंथी क्वेश्चन ना करके इसमें जो है थोड़ी एजम्पशन से खुद ही सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई अब क्या करें इसमें आंसर है ये कोई ये सारे आंसर में जो है एक्स तो आ नहीं रहा ना साइन है ना कोस है तो सिर्फ जो है जो इसका आंसर आ रहा है ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है ऑल पॉसिबल आंसर इज क्या है कॉन्स्टेंट ऑल पॉसिबल आंसर इज कॉन्स्टेंट सो देयर वी हैव क्या करें इसमें एक्स को जो है यहाँ अगर मैं x को जीरो रख दूँ x को ठीक क्या कर दूँ x पे जीरो पे वैल्यू निकाल लेता हूँ क्या निकाल लेता हूँ एट x इक्वल टू जीरो ये x इक्वल टू जीरो कब होगा अगर मान लिया इसमें से जो है कोई x का फंक्शन ही नहीं रहे x का फंक्शन नहीं रहना तो क्या आ जाएगा ये साइन जीरो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो और कोस जीरो की वैल्यू होती है वन वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर वन की पावर फोर प्लस जीरो की पावर फोर जीरो और वन की पावर फोर वन माइनस वन अपॉन सिक्स ये क्या आएगा जीरो प्लस वन की पावर सिक्स यानी क्या आ गया वन की पावर फोर क्या वन वन प्लस जीरो वन और वन बाई फोर की मल्टीपल क्या आ गई वन बाई फोर माइनस सिमिलरली वन बाई सिक्स इनका एलसीएम ले लिया सिक्स माइनस फोर कितना आ गया 2 अपॉन 12, 2 से 2 जा गए ये 1 से 6, हैंस इज आंसर इज 1 बाई 6, इसका आंसर क्या आ गया ये 1 बाई 6 आ गया इसका आंसर क्या आ गया ये 1 बाई 6 आ गया। देखो भाई फंक्शन क्या था ये बहुत इजी क्वेश्चन है एफ एक्स एफ के एक्स इक्वल टू वन अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स था। अब मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालनी थी एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी थी इसमें से निकालनी है या तो ये वैल्यू होगी या ये होगी या ये अब इसकी वैल्यू क्या निकालनी थी एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स क्या आ गया वन अपॉन फोर साइन की पावर फोर एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स ये क्या आ गया एट एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ जाएगी
वन पॉइंट फोर जीरो प्लस वन की पावर फोर माइनस वन बाई सिक्स जीरो प्लस वन की पावर सिक्स, ये इस जीरो प्लस वन वन की वन टू वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स, ये क्या सिक्स माइनस फोर इजिकल टू टू बाई ट्वेल्व, ये क्या आ गया आंसर, दैट इज वन बाई सिक्स। तो इसकी आंसर ये इसका आंसर क्या आएगा वन बाई सिक्स। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग an equilateral triangle the circumference circle subscribing of a equilateral triangle is 24 pi units. Find the area of the circle. Find the area of a circle. Find the area of the circle in stripes of the equilateral triangle. द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल स्क्राइबिंग ऑफ ए ट्राइंगल, ये कोई ये क्या है, ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई एक सर्किल है, इसके जो है ये ट्राइंगल के ये सर्कल स्क्राइबिंग है, इसका एरिया इसका एरिया इसका ट्राइंगल इसका एरिया निकालना है सर्किल का, फाइंड द एरिया ऑफ द जो इसके अंदर हो जाए। ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर ये सर बाहर एक ट्राइंगल, फिर जो अंदर है उसका जो है एरिया निकाल लेता है, और दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसका एरिया है, जो इसका और जो इसका सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस कितना है इसका ट्राइंगल का 24 है। मान लिया इसकी या ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक बड़ी जो है रेडियस है आर, आर ये बड़ी रेडियस कितनी है इसकी आर है, तो इसका इस सर्कल का वो दे रखा है सर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना दे रखा 24 pi, लेकिन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा 24 pi, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r = 24 pi, पाई से पाई जाएगा, r = 24/2
आर इक्वल टू 24 यूनिट या सेंटीमीटर जो भी देखा हो, आर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, आर इक्वल टू क्या आ गया, और अब अगर मान लिया ये है ये सारा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सारा ये सारा कितना था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये भी एंगल 60 था, ये भी एंगल 60 था, और बीच में इसके हाफ हाफ कर देगा ये इसके, तो ये कितना जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30 आ जाएगा। जब ये 30 आ गया इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अच्छा इसमें आर तो ये पता लग गई भाई ये, और इसकी 90 साइन की क्या आ जाएगी, 90 साइन की ये हाइपोटेनियस, ये क्या आ जाएगी, ये हाइपोटेनियस आ जाएगी, अच्छा और ये तो आर हो गई। अब मुझे ये निकालनी है, ये इसकी क्या आ गई, इसकी हाइट भी होगी ट्राइंगल की, और छोटे वाले सर्किल की क्या कहलाएगी, रेडियस, रेडियस इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन 30 इक्वल टू आर अपॉन आर, साइन 30 इक्वल टू क्या आ गया, आर अपॉन आर, इस आर स्मॉल आर अपॉन बड़ा आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 की वैल्यू याद होगा भाई, है नहीं पता नहीं सबको, पता नहीं है, अभी हम जो है अभी टेबल बना रहा ही बताते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इक्वल टू आर अपॉन बड़ा आर कितना आ गया 12, तो 2r = 12 upon 2r = 6r, कितनी आ गई है, ये आ गई 6 आ गई। देखो भाई क्या है ये, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला गिवन है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका, ये इसके चारों तरफ एक ये एक सर्किल है, ये इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, इसका बड़े वाले, और इस सर्किल का मान लिया सेंटर ओ है, जब ये सर्किल का सर्कमफेरेंस दे रखा, ये दे रखा 24, और अगर मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक इसकी बढ़ेगी क्या आ गई है, ओ बी क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई क्या आ गई, ओ बी क्या आ गई बढ़ेगी, ये रेडियस आ गई ओ बी, तो अब ये जब इसका सारे का जो है वो दे रखा, तो गैट मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 24 π 2 π r = 24 π r = 24 2 r = 2, अब इस छोटी ट्राइंगल को ले लूँ मैं, छोटे ट्राइंगल में क्या इस ले लूँ मैं, अच्छा इस ट्राइंगल में ये तो उसकी बढ़ेगी सर रेडियस हो गई, ये जो है ओ ए, ओ ए होगी जो जो इसके अंदर है, इसकी जो है रेडियस निकालनी है मुझे, क्या रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, जो इस एरिया इसका सर्किल का एरिया निकालना, क्या निकालना है इसका, इस सर्किल का एरिया निकालना, इसका इस सर्किल के एरिया से पहले इस सर्किल की क्या पता होनी चाहिए मुझे, रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस कौन सी है ये ओ ए, और ये ट्राइंगल जो ओ ए बी है इसमें वही लगा लूँगा मैं साइन, इसमें इस एंगल के लिए मान लीजिए ये सारा 60 था इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऊपर लगी 30 हो जाएगा नीचे लगी 30, इसमें साइन 30 इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ ए अपॉन क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन साइन 30, यानी कि ओ ए कितनी है मान लिया, लेट ओ ए कितनी आई, आर है छोटी की, ओ ए इक्वल टू कितनी आई आर है, ये कितनी है आर है, ओ ए अपॉन ओ बी, और ओ बी बड़े वाली रेडियस की मैंने निकाल ही लिया, यही ओ बी होगी। अब इसकी वैल्यू को निकाल लिया, लिख ली मैंने आर, आर इक्वल टू कितनी आ गई है 6 आ गई भाई, आर इक्वल टू क्या आ गई 6 आ गई, ये भी 6 आ गई, जब ये 6 आ गई है अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई
आर स्क्वायर पाई इंटू सिक्स का स्क्वायर कितना आ गया, सिक्स का फाइव थर्टी फाइव, सिक्स फाइव स्क्वायर यूनिट। देखो अब मैं टेबल बनाना सिखाता हूँ, मैं टेबल किस तो बनती है भाई। ट्रिगनोमेट्रिकल किस वैल्यू निकलती है इसकी, देखो यहाँ क्या आएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ जीरो थर्टी सिक्सटी और ये नाइन, यहाँ तक बात समझ आ गई। क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू यहाँ लिख लूँगा, साइन थर्टी की यहाँ, साइन सिक्सटी की यहाँ और साइन नाइन्टी की यहाँ निकल गई। याद करने का तरीका देखो, इसको क्या कर लूँगा मैं, इधर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ ठीक। अब इसको क्या कर लूँगा मैं, चार से डिवाइड कर दो सबको, ठीक। फिर इसका क्या कर दूंगा मैं, यो इसका स्क्वायर रूट ले लो, जीरो नहीं फिर सॉरी जीरो यहाँ वन टू जीरो नहीं जीरो थर्टी ये आएगा फोर्टी फाइव सिक्सटी और ये नाइन्टी। अब कोस की वैल्यू अभी इधर से लिख लेंगे, फोर बाई फोर या गया थ्री बाई फोर, ये कितने हैं टू बाई फोर, वन बाई फोर और जीरो बाई फोर, यहाँ तो बात सुनवा के। फिर अगर मैं इसकी वैल्यू एक बार और लिख लेता हूँ, यहाँ साइन कोट टेन कोट सेक ठीक कोसेक यहाँ जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी आगे बात नहीं भाई। अब क्या करता हूँ मैं, देखो भाई ये है जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन फोर यह है वन अपॉन फोर, यह है टू अपॉन फोर, यह है थ्री अपॉन फोर। जीरो अपॉन फोर कितना जाएगा फोर जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, वन अपॉन फोर क्या जाएगा वन का स्क्वायर रूट वन, फोर का टू यह का वन बाई टू, वन का लिया जाता तो वन अपॉन रूट टू, थ्री का क्या जाएगा लिया जाता रूट थ्री और फोर का टू, तो क्या जाएगा साइन जीरो जीरो थर्टी का वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू
60 का रूट 3 अपॉन 2 साइन 90 का वाई। यहाँ से बात नहीं होगी, अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर जाए अब इसका उल्टा कर लूँगा मैं, यहाँ क्या आएगा 1 रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 और कोस 90 की वैल्यू, यानी कि क्या आया, क्या क्या आ गया फॉर्मूला, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह ही कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू 3.2, कोस 45 की वैल्यू 1.2, कोस 60 की वैल्यू 1, 1.2 और कोस 90 की वैल्यू 0। यहाँ तो बात में आ गई, अब मुझे निकालना है tan, क्या निकालना है मुझे tan, tan निकालने के लिए क्या करता हूँ, फॉर्मूला मुझे पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है कोस थीटा, ये क्या आ गया 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये है 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 1 बाई 2 मल्टीपल रूट 2 अपॉन रूट 3, इनसे 2 जाएगा 1 अपॉन रूट 3, क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3, टेन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन क्या आ गई इसकी वैल्यू 1, तो यह रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 बाई 2, 2 से 2 जाएगा, क्या आएगा रूट 3, यह 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या क्या की है वैल्यू 1 अपॉन 0 क्या होता है, ये होता है इनडेफिनिट होता है, क्या होता है ये होता है इनडेफिनिट, 1 अपॉन 0 क्या होता है ये इनडेफिनिट होता है, क्या ये जो है इनडेफिनिट होता है, ठीक है भाई, ये होता है ये इनडेफिनिट क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इनकी 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है। अब देखो अब कोट क्या होता है, इसका उल्टा कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, जीरो का उल्टा क्या होता है इनडेफिनिट, यह जैसे जिनसे इसका उल्टा है ये रूट थ्री, इसका 1, इसका 1 अपॉन रूट 3 और इसका क्या होता है 0। इस तरह सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है 1 रूट 3, 2 बाई का उल्टा 2 बाई रूट 3, इसका क्या होता है 1 बाई रूट 2 का रूट 2, इसका क्या होता है 2 और 0 क्या होता है इनडेफिनिट अनडिफाइंड। इसी तरह कोसेक का क्या होता है साइन, साइन का क्या होता है अनडिफाइंड, उल्टा इसका 2 बाई रूट, इसका क्या होता है साइन 30 का क्या होता है 2, 1 अपॉन रूट 2 का क्या होता है रूट 2, 2 बाई 2 अपॉन रूट 3 साइन का उल्टा है, इसका 1 का उल्टा 1। ये जो है ये हमारी टेबल आ गई पूरी, इसका हम जो है बार बार जहाँ भी इसका यूज़ होगा हम जो है, जैसे मान लिया कोई पूछा कि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, जैसे अभी हमने साइन 30 की वैल्यू क्वेश्चन में हाफ करी थी, हम जो है कहीं भी क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे
जैसे एक सवाल हो रहा है, देखो ये ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू हम कहीं भी जाए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे a प्लस टेन ए माइनस वन, ये क्या जाएगा, फैक a माइनस टेन ए प्लस वन, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। देखो भाई इसे अगर क्या कर दूँ ना, वन को क्या कर सकता हूँ, वन को sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a, क्या गया ये sec a प्लस tan a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला है वन प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये फैक ए माइनस टेन ए प्लस फैक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, इसके आ गया फैक ए प्लस टेन ए, ये आ गया फैक ए प्लस टेन ए माइनस फैक ए माइनस टेन ए, ये आ जाएगा फैक ए माइनस टेन ए फैक ए प्लस टेन ए, ये फैक ए प्लस टेन ए दोनों में से कॉमन ले लिया ऊपर से, क्या हो जाएगा वन माइनस फैक ए माइनस टेन, नीचे से क्या आ जाएगा ये यहाँ भी पहले कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा फैक ए प्लस टेन ए, फिर दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा ये फैक ए वन प्लस सेक ए माइनस के टेन, वन प्लस सेक ए माइनस टेन, ये बाहर माइनस आती है प्लस, इससे ये जाएगा तो क्या जाएगा ये वन माइनस ये क्या जाएगा ये वन माइनस फैक ए प्लस टेन ए अपॉन वन प्लस फैक ए माइनस टेन ए, फिर ऐसा ही बन गया, फिर ये क्या बन गया, फिर ऐसा ही बन गया, या फिर इसका अभी लंबा क्वेश्चन पड़ गया, अगर इससे बढ़िया तो अच्छा है, इसको क्या कर सकते हैं हम,
इसको जो है साइन और कोस में बदल लेंगे, क्या बदल लेंगे, साइन कोस में बदल लेंगे, क्या बदल लेंगे इसको, साइन थोड़ा लंबा तो पड़ेगा ये, क्या बदल लेंगे, या इसके उल्टे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या इसके उल्टे से sec a प्लस tan a माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये sec a क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये sec a प्लस tan a माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर इसी क्रोस में बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ईवी करने इससे अच्छा है एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये ईवी समझने के लिए यहाँ भी क्लियर कर दो, इसका स्क्वायर भी कर दो और इसका स्क्वायर भी कर दो, तो क्या आ गया ये sec स्क्वायर ए, क्या जाएगा sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, वन की वैल्यू क्या आ गई माइनस sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये यहाँ आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, इस sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर जाएगा, tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए टू tan स्क्वायर ए, इस sec स्क्वायर इस tan स्क्वायर से ये tan स्क्वायर जाएगा, तो क्या आएगा टू sec स्क्वायर ए, टू sec स्क्वायर ए इससे जाएगा, तो क्या आएगा ये आएगा tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन cos स्क्वायर ए, इससे जाएगा क्या आ गया sin स्क्वायर ए, ये आ, और अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो tan cot में समझ, तो उसके क्या हमें चेंज कर देते हैं, ये सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए sin cos में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह बहुत से जो है हम क्वेश्चन जो है इस तरह सोल्व करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले याद होते हैं, जो याद होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करते हैं इन्हीं के लिए, और फिर जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था एक को कर लिया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, फिर इस तरह नीचे sec स्क्वायर माइनस tan काट दिया, tan स्क्वायर का sin स्क्वायर sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर sec स्क्वायर का वन अपॉन cos स्क्वायर, इससे जाएगा क्या आ गया sin स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर ऑल यू, बेस्ट ऑफ लक।